हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकर स्टूडियो। मैं अजहर साबिर। हमारे और आपके बीच कई बार इस तरह का मसला हुआ है कि हमने और आपने अपने घर में ही मोबाइल फोन को कहीं रख दिया, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है कि हमने रखा कहाँ। उस केस में आप अपने मोबाइल फोन को कैसे ढूंढने गए, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपका फोन चोरी हो जाए, यदि आपका फोन कहीं खो जाए, उस केस में आप अपने फोन का लोकेशन कैसे ट्रेस करेंगे, आज मैं ये बताऊंगा। बहुत ही इजी है, सिंपल है, और सिंपल वे में आप अपने फोन को चाहे घर में है तो आप ढूंढ सकते हैं, भले ही साइलेंट मोड में हो, वाइब्रेट मोड में हो, या फिर रिंगटोन है तो अच्छी बात, या फिर किसी ने आपका फोन चोरी कर लिया, या फिर आपका फोन खो गया, या फिर आपका फोन कहीं गिर गया, तो उस केस में आप अपने फोन को इजिली ट्रेस कैसे करेंगे, ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में और यहाँ से एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस, जो कि गूगल का ऐप है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे फाइंड माई डिवाइस तो आपको वो ऐप टॉप पर मिल जाएगा। यह आप देखिए गूगल फाइंड माई डिवाइस, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ तो ये मुझे ओपन करने का और अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है ईमेल आईडी पूछ रहा है कि आप ईमेल आईडी कौन सा डाल करके आप जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं अपने इसी ईमेल आईडी से कंटिन्यू करूँगा। ये मैंने पासवर्ड इंटर कर लिया और इसके बाद ये हमसे जो है लोकेशन का एक्सेस पूछ रहा है तो अलाउ कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे डिवाइस का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी M20, और अभी ये बता रहा है इन योर हैंड, मतलब कि ये फ़ोन अभी हमारे हाथ में है और हमारे लोकेशन को ट्रेस करके ये बता रहा है कि अभी फ़ोन आपके हाथ में है। आप नीचे देखिए बैटरी का भी परसेंटेज बताएगा और कौन सा आप सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हैं। जियो 4G यूज़ हो रहा है तो जियो 4G दिखा रहा है। हमारे पास यहाँ पे नीचे में दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर इन केस हमारा फ़ोन घर में ही कहीं पे खो जाता है, कहीं पे रख करके हम भूल जाते हैं और मिल नहीं रहा है, तो हम उस केस में यहाँ पर प्ले साउंड पर क्लिक करके जो है हम रिंग प्ले कर सकते हैं। तो देखिए रिंग प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये वाइब्रेट, ये जो है मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। देखिए साउंड स्टॉप्ड हो गया, तो ये वाइब्रेट मोड में भी प्ले होगा इसी तरह का टोन, और अगर ये साइलेंट में होगा तो भी ये इसी तरह का साउंड प्ले होगा। मतलब इसे साइलेंट वाइब्रेट से कोई मतलब नहीं है, ये आपके फ़ोन में इस तरह से रिंग बजेगा जो भी आपके फ़ोन का रिंग टोन सेट होगा। ठीक है, आप यहाँ से एक और ऑप्शन, आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है सिक्योर डिवाइस। सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन जो होता है ये आपका उस केस में यूज़ होता है जब आपका फ़ोन खो गया हो, तो तब ये इसका यूज़ करेंगे और इसमें हम मैसेज वगैरह लिख करके भेजेंगे ताकि कोई अगर ऑनेस्ट बंदा हो, ईमानदार बंदा हो जिसके पास आपका फ़ोन पहुंच गया हो, तो वो आपको रिटर्न कर सके। आप इसमें एड्रेस देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, या आपको जो मैसेज देना है वो आप मैसेज देंगे। अगर कोई ऑनेस्ट बंदा होगा तो वो आपके फ़ोन को कॉन्टेक्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो उस केस में आप जो है इस सिक्योर डिवाइस वाला और ऐड अ मैसेज और फ़ोन नंबर वाला जो है आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तीसरा नंबर, ये इरेज डिवाइस, इरेज डिवाइस का ऑप्शन इसलिए हमें नहीं दे रहा है यहाँ पे क्योंकि अभी ये फ़ोन हमारे हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने हाथ में लिए हुए फ़ोन को इरेज तो नहीं करेंगे। तो जब भी ये फ़ोन कहीं दूसरे लोकेशन पर ट्रेस करेगा तो उस केस में हमें ये ऑप्शन देगा इरेज डिवाइस का, ताकि हमारे हाथ अगर फ़ोन नहीं लगे तो कम से कम अपने फ़ोन का इम्पोर्टेंट डेटा को इरेज कर सके अपने इस डिवाइस से। तो ये एक ऑप्शन भी मिल जाता है हमें कि यदि हमारा फ़ोन कहीं कोई चोरी कर गया, कहीं हमारा फ़ोन गिर गया और हमें लगता है कि फ़ोन हमारा वापस नहीं मिलेगा, तो हम अपने फ़ोन का इम्पोर्टेंट डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से यह ऑप्शन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आपको लोकेशन दिखाएगा कि अभी आप किस लोकेशन पर हैं। अगर मान लीजिए हम इसको इधर उधर भी कर देंगे ना तो भी हमें दिखा देगा जब हम इस पर रिफ़्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया तो देखिए हमारा लोकेशन वही आ गया, हुमायूं टॉम्ब, यानी कि नियर बाय हुमायूं टॉम्ब आ गया है। और जब भी अगर किसी दूसरे लोकेशन पर आपका फ़ोन दिखाएगा तो आप इस तरह से ट्रेस करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो देखिए आपको सर्किल बना करके दिखा रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखा रहा है कि फ़ोन आपका यहाँ पर अभी है, ब्लॉक सी। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपका फ़ोन कहीं बाहर खो गया या किसी ने चोरी कर लिया तो अपने फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं। और यदि घर में आपका फ़ोन कहीं पे बाय मिस्टेक रखा गया, आप भूल गए रख करके, तो उस केस में आप किस तरह से अपने फ़ोन को फाइंड आउट करेंगे ये आपने देख लिया, और किस तरह से रिंग भी आप बजाएंगे वो भी आपने देख लिया। डेटा इरेज करने वाला भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने देखा कि कितना सिंपल तरीका है अपने फ़ोन को ट्रेस करने का।
इसके साथ साथ आपको ऑप्शन मिलता है अपने फ़ोन पर बेल बजाने का भी, यानी कि आप रिंग करके अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। यदि आपके घर में है, कहीं पे भी है, साइलेंट मोड में भी है, वाइब्रेट मोड में भी है, तो भी आपके फ़ोन पर रिंग हो जाएगा और आप अपने फ़ोन को आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, आपका फ़ोन खो जाता है, तो उस केस में आप किस तरह से अपने फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, और यदि आपका फ़ोन आपके हाथ नहीं लगने जा रहा है तो उस केस में आप अपने फ़ोन का इम्पोर्टेंट डेटा को किस तरह से इरेज कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर देखा। ये सब कुछ आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी आपको करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। गूगल में आपको जाकर के सर्च करना पड़ेगा फाइंड माई डिवाइस, और वहाँ पर जाकर के आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे, उसी जीमेल अकाउंट से जिस जीमेल अकाउंट को आपने अपने फ़ोन में लॉगिन किया हुआ होगा, यानी कि जो फ़ोन आपका खो गया है उस फ़ोन में जिस जीमेल आईडी को यूज़ करके लॉगिन किया होगा उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करके आप अपने फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। इसके अलावा आप मैसेज भी भेज सकते हैं कि यदि किसी को फ़ोन बाय मिस्टेक मिल गया हो और यदि वो ईमानदार व्यक्ति होता है तो आपके मैसेज पढ़ करके या आप जो भी वहां पर डिटेल देंगे उसके अकॉर्डिंग आप तक वो फ़ोन पहुंच सकता है या वो पहुंचा सकता है। तो ये था सिंपल सा तरीका अपने फ़ोन को ट्रेस करने का, अपने फ़ोन के लोकेशन को जानने का। चलिए आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।